लोकेशन दी हुई थी कि नचिकेता ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया है और चाकू मार दिया है, उस जिसके बाबत उसके स्कूल की मैडम समा था और उसके मोबाइल पर फोन आया 2:39 से 2:47 के बीच में 3-4 कॉल आए जो 3:59 सारी बातें हुई। के 22 मिनट में मैंने उसकी माँ के मोबाइल पर फ़ोन किया कि मेरा सोनू से बात कराइए। वो उसके कमरे में गई तो कमरा दरवाज़ा अंदर से बंद था जो कि वो कभी नहीं बंद करता था। दरार से उन्होंने झांक के देखा तो वो फांसी लगा लिया था। टीचर ने उसको प्रताड़ित किया इसलिए उसने आत्महत्या किया और मुझे यह भी आशंका है कि उस लड़की के परिजनों ने लड़की की हत्या कर दी और मानसिक दबाव बना के मेरे लड़के को भी आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और मैडम के खिलाफ मुकदमा और लड़की के परिजनों के खिलाफ मुकदमा। हम चाहते हैं मुकदमा लड़की के परिजनों को हो ऑनर किलिंग के लिए, अपनी लड़की को उन लोगों ने मारा और मेरे लड़के के ऊपर मानसिक दबाव बना करके आत्महत्या के लिए विवश किया, तो स्कूल की टीचर के खिलाफ मुकदमा हो और सारे स्कूलों में काउंसलर हो, गार्जियन को बुला के बात की जाए। नाबालिग बच्चों से इस तरह का प्रेशर नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। कई लाख बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं जो कि एक दुखद है, मैं नहीं चाहता समाज में अब किसी अन्य के साथ। बात किए थे हमने तो मैडम से भी बात हमने किया था तो उन्होंने कहा गलती हो गई, तो हमने गलती करने से नहीं होता, आप फीस के लिए तो गार्जियन को फ़ोन करती हैं, तो इस बात के लिए भी आपको पहले गार्जियन से फ़ोन पे बात करनी चाहिए थी। ये हत्या ही मानते हैं सर। किस स्कूल का मामला है? श्री राम कॉन्वेंट डेढ़ूपुर। जैसा कि कानून के आप लोग खुद एक्सपर्ट रहे हैं और मतलब इसमें कोई दोहराया नहीं है कि मतलब कोई शब्दों का आप लोग कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने मुझे नोट मिला है प्रेस रिलीज में भी आपने पुलिस को भी ये चीज़ें सारी बताई हुई हैं, तो क्या अभी तक कोई मदद नहीं मिली है? सीईओ कैंट साहब ने मेरे बड़े भाई साहब के एप्लीकेशन पे बुलाकर बयान वगैरह लिया, CDR वगैरह निकाला है, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और कोई भी अभी तक विधिक कार्रवाई नहीं की है। उसी के लिए हम मांग कर रहे हैं और कल हम लोग SSP महोदय के पत्रक आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे और मुकदमे की मांग करेंगे। ठीक है।